अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। एडोबी फ़ोटोशॉप की आज चौथी क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पास कुछ इमेजेस ओपन की है। आज की क्लास हमारी होगी क्रॉप टूल पे, ठीक है। कीबोर्ड से हम सी प्रेस करेंगे या यहां से हम क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ कुछ हैंडल नज़र आ रहे होंगे इमेज के कॉर्नर्स पर, ठीक है, कॉर्नर्स पर भी और मिडल पोर्शन पर भी, ठीक है। बेसिकली हम मोबाइल्स वगैरह ऐप्स वगैरह में भी यूज़ कर रहे होते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का मकसद होता है इमेज को क्रॉप करना, कोई भी चीज़ हो उसे क्रॉप करना, ठीक है। उसकी पीसीस करना, मतलब उसे काटना या उसे हाफ कर देना, क्वार्टर कर देना, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसी तरह क्रॉप टूल भी है। क्रॉप टूल हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। ये इसकी रेशो है, रेजोल्यूशन है, ओरिजिनल रेशो है, स्क्वायर है, और फिर डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। इस वक्त रेशो पे क्लिक हैं हम। रेशो से अब हमें इस इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है। लेट सपोज हम लेफ़्ट साइड से क्रॉप करते हैं, हमें यहाँ तक इमेज क्रॉप करनी है, ठीक है, और राइट साइड से यहाँ तक। अप डाउन से भी थोड़ी सी कर लेते हैं, ये अप साइड से और ये बॉटम से भी, ठीक है। अब क्रॉप करने के बाद ये हमारे पास जो अब आपको कुछ सिलेक्टेड एरिया नज़र आ रहा होगा, हमारे पास ये इमेज है। बाकी का जो पीछे का एरिया है वो हमने क्रॉप कर दिया है, ठीक है। मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूँगा और या माउस से मूव टूल पे क्लिक कर लूँगा। अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। या मैं अंडू कर देता हूँ, दोबारा से मैं सिलेक्शन लेता हूँ, सी प्रेस किया, क्रॉप टूल, दोबारा से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं मूव टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, हमारी सिलेक्शन यहाँ से हो चुकी है, ठीक है। इतना इमेज हमारे पास क्रॉप हो चुका है। अब हम मैं दोबारा से एंटर कर रहा हूँ। अब हम क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ रेशो हम चेंज करते हैं, ठीक है। रेशो की जगह हम ओरिजिनल रेशो करते हैं। ओरिजिनल रेशो हम जैसे ही करेंगे तो हमारे पास कुछ ग्रिड शो हो गई है, ठीक है। अब हम इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से या राइट कॉर्नर से, ठीक है, जिस कॉर्नर से आपको करनी हो, प्रोपोर्शनली साइज़ छोटा होगा। नॉर्मली हम कोई भी इमेज बड़ी करते हैं तो हम शिफ्ट प्रेस करके करते हैं, उससे प्रोपोर्शनली इमेज छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो यहाँ से हमने ओरिजिनल रेशो सेलेक्ट किया। हम किसी भी साइड से, अब हम राइट साइड से क्लिक कर रहे हैं और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, तो अब देखिए प्रोपोर्शनली एक साइज़ छोटा हो रहा है, ठीक है। अगर हम नीचे बॉटम से करते हैं, लेफ्ट बॉटम से ऊपर की तरफ, देखिए ये भी प्रोपोर्शनली क्रॉप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इसमें स्क्वायर। मैं जैसे ही स्क्वायर पर क्लिक करूँगा, अब देखिए हमारे पास ये इमेज स्क्वायर में हमारे पास सिलेक्शन शो हो रही है। इसके जो हैंडल्स हैं वो स्क्वायर में आ रहे हैं। अब ये एरिया हमारा क्रॉप हो रहा है। हम चाहें यहाँ से सिलेक्शन थोड़ी पीछे कर दें या इमेज को हम राइट साइड की तरफ थोड़ा मूव कर देते हैं ताकि हमारी इमेज क्रॉप ना हो। हम दोबारा से इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम दोबारा क्रॉप टूल लेंगे। इसमें और भी डिफरेंट मतलब रेशोज़ है, आप जिस रेशो पे चाहें वो कर सकते हैं, बट अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जो हम सिलेक्शन यूज़ करते हैं रेशो पे ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। रेशो पे करने के बाद मैं पहले अंडू कर देता हूँ उसको बाय डिफ़ॉल्ट, दोबारा से सी प्रेस किया, यहाँ से हमने रेशो पे क्लिक किया, ठीक है। अब चूँकि यहाँ सेलेक्ट है तो ये रेशो पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसके लिए हमें क्लियर पे क्लिक करना होगा। हम जैसे ही क्लियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट हो गई, ठीक है। अब हम दोबारा करेंगे, ये हमारा खैर वो हमारे पास इमेज क्रॉप हो गई। हम अंडू करेंगे, अब हम दोबारा से क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, हमारे पास अब वैल्यू सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। हम स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ से रेशो चेंज कर सकते हैं। तो हम रेशो पे फिलहाल रखते हैं। रेशो पे रखने के बाद यहाँ आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है स्ट्रेटन। अच्छा, यहाँ जो भी वैल्यूज़ हो उसको आप क्लियर कर दीजिएगा ताकि आपकी सिलेक्शन ओरिजिनल सिलेक्शन रहे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रहे। तो हम वैल्यूज़ को क्लियर कर देते हैं। फिर आपके पास एक ऑप्शन
शो हो रहा है स्ट्रेटन, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और इमेज डाउनलोड की है, ये इमेज, ठीक है। अब हम यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे। मैं जैसे ही स्ट्रेटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक रूलर टाइप का आइकन शो हो रहा है कर्सर के पास, माउस के कर्सर के पास। तो मैं यहाँ से एक लाइन क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट सिंपली क्लिक किया और ड्रैग किया। आप देखिए जो इमेज थी मेरी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। पहले आपको जो स्काई और समंदर सी जो नज़र आ रहा था वो थोड़ा सा क्रॉप था। अगर मैं अंडू करूँ तो आपको नज़र आएगी इमेज। देखिए ये इमेज थोड़ी सी क्रॉप थी, जो लाइन आ रही थी ये कर्व आ रही है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटन पर क्लिक करने के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जहाँ से भी मैं ड्रॉ करना चाहूँ। मैं लेट सपोज़ यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अब ये लाइन आप देखिए तो आपको कर्व नज़र आ रही होगी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो आपको लाइन ही सीधी यहाँ नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ सिंपली लेके आ रहा हूँ माउस, तो ये लाइन कर्व में आ रही है। मैं जैसे ही माउस का बटन यहाँ रिलीज़ करूँगा, इमेज बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, ठीक है। और आपको जो बाकी का एरिया है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी इमेज यहाँ से स्ट्रेट हो चुकी है, और हमारी सिलेक्शन यहाँ हो चुकी है। इमेज क्रॉप होने के बाद हमारी ये सिलेक्शन होगी। तो हम सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं पिछली इमेज पे दोबारा आया हूँ। अब मैं यहाँ से क्रॉप टूल ले रहा हूँ और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, डिलीट क्रॉप क्रॉप पिक्सेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चेक नहीं लगा हुआ। अगर मैं यहाँ चेक लगा देता हूँ, ठीक है, और चेक लगाने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक एरिया वाइट स्पेस कम कर रहा हूँ और फिर यहाँ से भी, ठीक है। अब अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, हमारे पास इमेज क्रॉप हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वही एरिया दोबारा चाहिए, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मुझे ये स्पेस थोड़ा सा दोबारा से चाहिए, तो मैं दोबारा सी प्रेस करूँगा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के बाद अब मैं देखिए मैं दोबारा लेके जा रहा हूँ, तो ये हमारी जो इमेज थी क्रॉप हो चुकी है, और ये हमारे पास ब्लू कलर हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें ये करना होगा, फिलहाल मैं अंडू कर रहा हूँ। ये अंडू हो गई हमारी इमेज, ठीक है। अच्छा, हम क्रॉप टूल जब लेंगे, जब भी हमें कोई भी चीज़ क्रॉप करनी हो, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि डिलीट क्रॉप पिक्सेल सेलेक्टेड ना हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं चेक हटा देता हूँ। अब मैं इस एरिया को यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं फिर से इंटर प्रेस कर रहा हूँ, हमारी इमेज क्रॉप हो चुकी है। लेकिन अब मुझे फिर से मैं वही रिपीट करूँगा कि मुझे वाइट स्पेस थोड़ा सा मज़ीद चाहिए, मज़ीद इसके अलावा भी चाहिए। मैं दोबारा से क्रॉप टूल ले रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने जैसी सिलेक्शन लेने स्टार्ट की, हमारे पास जो इमेज का बैकग्राउंड था खुद ब खुद आ गया है कि हमारे पास हम यहाँ तक स्पेस इसका बढ़ा सकते हैं। वाइट एरिया हमारे पास यहाँ तक है, लेकिन मुझे यहाँ तक चाहिए, और इसी तरह लेफ़्ट साइड से भी, ठीक है। अच्छा, टॉप से और बॉटम से हमारे पास एरिया शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास इमेज ही इतनी है। अगर मैं वहाँ इसको बढ़ाऊँगा तो आप देखिए हमारे पास पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड शो हो रहा है, क्योंकि इमेज ही हमारे पास वहाँ बैकग्राउंड है ही नहीं। तो इसलिए इसको हम अंडू कर देते हैं। हमारे पास अब ये सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से एक और ऑप्शन है इसमें, कंटेंट अवेयर, ठीक है। कंटेंट अवेयर क्या काम करता है, इसके लिए एक और इमेज है मेरे पास, ये इमेज, ठीक है। अब ये एक बैकग्राउंड वॉलपेपर है, ठीक है, HD हाई रेज इमेज है ये। अब इसको जूम करें तो ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा, ठीक है। लेट सपोज़ कोई हमारी इमेज है, उसमें कोई स्पॉट है, कोई वाटर मार्क है, या उसमें आप जैसे नॉर्मली हम कहीं पे तस्वीर लेते हैं, कोई सेल्फी लेते हैं, तो आसपास के एरिया कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होते, हम इसे रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड भी ख़राब ना हो, बैकग्राउंड की रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। तो हम जस्ट वो इमेज ओपन करेंगे जो हमारी सेलेक्टेड इमेज होगी। ये रफली मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इमेज डाउनलोड की है, ठीक है। मैं इस एरिया को जूम कर रहा हूँ। यहाँ अब आप देखिए आपको छोटे से रॉक नज़र आ रहे हैं, पत्थर, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन टूल लूँगा, यहाँ से हम सिलेक्शन लेंगे और या कीबोर्ड से एम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एम प्रेस किया मैंने और मैं इस एरिया की सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद
यहाँ हमारे पास ये देखिए बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। हमेशा हमारे पास बैकग्राउंड लेयर होगी तो उस पे ही उसी पे हमारी सिलेक्शन होगी और उसी पे हम वो बैकग्राउंड को सेम मतलब उसी जगह पे बैकग्राउंड प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से अगर करना होगा तो शिफ्ट F5, ठीक है। शिफ्ट F5 हमने जैसे ही सेलेक्ट किया उसके बाद हमारे पास एक टैब ओपन हुआ इस तरीके से। इस टैब में आप देखें हमारे पास फोरग्राउंड कलर है, अगर हमें फोरग्राउंड कलर चाहिए फोरग्राउंड ग्राउंड कलर हमारे पास ये रहा ब्लैक, बैकग्राउंड कलर चाहिए बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लू है, कलर हमें कोई सेलेक्टेड चाहिए तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंटेंट अवेयर कोई पैटर्न चाहिए हिस्ट्री चाहिए वो सब मैं आपको आगे जाके मज़ीद इसके बारे में भी सिखाऊंगा। फिलहाल हम कंटेंट अवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट अवेयर पर मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ उसके जो मोड है मोड आप हमेशा नॉर्मल ही रखिएगा, इसमें काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास, आप नॉर्मल रखिएगा। ओपेसिटी इसकी 100% होनी चाहिए, ठीक है। ओपेसिटी जैसे ही 100% रहेगी इसकी और इसको हम ओके करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से वो जो पत्थर था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। हमारी इमेज ख़राब नहीं हुई, अगर मैं अंडू कर रहा हूँ देखिए वो पत्थर दोबारा से आ गया, ठीक है। मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडो, और शिफ्ट F5 और देन इंटर, ये हमारे पास रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से मैं इस इमेज में मुझे यहाँ कुछ और चेंजेस करनी है। अच्छा ये टूल है कंटेंट अवेयर, ये ज़्यादातर कुछ इमेजेस पे काम नहीं भी करता, ठीक है। तो इसको इस बात को ख्याल में रख लीजिएगा कि हर इमेज पे प्रॉपर काम नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ पैचेस वगैरह रह जाते हैं जो कि हमें मैन्युअली फिक्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं, इस एरिया को हम जूम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम सिलेक्शन ले रहे हैं कि यहाँ तक हम लेते हैं सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद शिफ्ट F5, ठीक है। शिफ्ट F5 जैसे ही प्रेस किया हमारे पास टैब ओपन होगा, कंटेंट अवेयर मोड नॉर्मल ओपेसिटी 100%, ठीक है ओके। अब यहाँ देखिए कुछ लोडिंग हो रही है और यहाँ से हमारा रॉक तो गायब हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सा आपको नज़र आ रहा होगा तो ये हमें मैन्युअली फिक्स करना होगा, या तो आप दोबारा से इसके ऊपर कंटेंट अवेयर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस एरिया को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, अब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इसी तरीके से यहाँ भी करते हैं ताकि बैकग्राउंड सेम हो जाए सब जगह। अब आप देखिए जूम आउट कीजिए, अब अगर आप इस एरिया को देखें तो ये तकरीबन तकरीबन बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें अगर अभी भी थोड़ा सा माइनर सा शेडो सा आपको नज़र आ रहा होगा, इस पोर्शन में आपको हल्का सा शेडो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। शिफ्ट F5 एंटर, ये अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इस रॉक को करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बड़ा पत्थर है और काफ़ी स्पेस है और इसमें आपको ये एक शेडो भी नज़र आ रहा होगा, इसी रॉक का शेडो आपको है क्योंकि पीछे की तरफ से सनलाइट है तो इस वजह से यहाँ इसका शेड आपको नज़र आ रहा है। तो हम इसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, शिफ्ट F5 ओके। अभी लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद अब आप देखिए यहाँ से तो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेड आपको नज़र आ रहा होगा, मैन्युअली हमें इसे दोबारा से फिक्स करना होगा, और अगर ऐसे नहीं हो सकता मैन्युअली भी तो हमें ब्रश टूल के थ्रू करना होगा, ठीक है। अब ये एरिया क्लियर हो चुका है लेकिन यहाँ शेडो है तो वो हम पेन टूल के थ्रू भी कर सकते हैं या दोबारा सिलेक्शन लेके भी हम कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा कि कंटेंट अवेयर सब जगह अप्लाई नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ पैचेस बाकी रह जाते हैं, तो इसी तरीके से हमें इसका ख्याल रखना होगा और हमें प्रॉपरली अपनी इमेज को एडिट करना होगा, ठीक है। मैंने अब दोबारा सिलेक्शन लिए हैं, अब ये देखिए ये एरिया कुछ बेहतर हो चुका है, हम मज़ीद भी इसे बेहतर कर सकते हैं, बार बार सिलेक्शन लेके हम जितनी बार चाहें कंटेंट अवेयर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया हमारा कुछ बेहतर हो चुका है, अब ये एरिया बाकी है, ठीक है। आप चाहें तो पेन टूल से भी इसकी सिलेक्शन लेके इस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ फिल सा आया है, हम दोबारा इसको अंडू करेंगे और थोड़ा नीचे के एरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्रॉप टूल
बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन अमूमन हम इमेज वगैरह कोई क्रॉप करनी हो, कोई टेक्स्ट वगैरह क्रॉप करना हो, या किसी इमेज में थोड़ा बहुत एडिट करना हो, तो उसके लिए हम क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास छोटी होगी थोड़ी सी, लेकिन ये क्रॉप टूल समझाने भी आपको ज़रूरी था, ताकि आपको हर टूल के बारे में नॉलेज हो और आप उस पर बआसानी काम कर सकें। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारा बैकग्राउंड कुछ हद तक बेहतर हो चुका है। मैं क्लोन टूल से, ब्रश टूल से इसको फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि क्लोन टूल पे, ब्रश टूल वगैरह पे हम अगली क्लास करेंगे, और उसमें फिर हम आपको मैं आपको कंप्लीट ब्रश टूल वगैरह भी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, कि ब्रश टूल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस जगह पे हम उसको, उसके फीचर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन कुछ एरिया हमारे पास क्लियर हो चुका है। अब हम इसे जूम आउट करते हैं। अब ये देखिए ये एरिया कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं सिंपली ब्रश टूल से, क्लोन टूल से करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। अब आप ये देखिए ये हमारा एरिया फिक्स होना शुरू हो गया है। तो हम इस तरीके से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिलेक्शन टूल से करेंगे, क्योंकि ब्रश टूल के बारे में हमने अभी तक कोई क्लास नहीं की। तो हम इंशाल्लाह अगली एक दो क्लासेस में आपको क्लोन टूल, ब्रश टूल और क्लोन टूल वगैरह के बारे में बताऊंगा। और इंशाल्लाह आज की क्लास छोटी सी क्लास थी, आई होप आपको ये छोटी छोटी सी टूल्स काम करने में मदद करेंगे। और इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।